हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस टाइप वन ऑफ चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर, कि रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे दो नंबर के बीच में। तो एग्जांपल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फाइंड थ्री रैशनल नंबर बिटवीन टू एंड थ्री। ठीक है, तो हमने तीन रैशनल नंबर फाइंड करने हैं टू एंड थ्री में, क्लियर। तो सोल्यूशन इज, सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो दो नंबर दिए हुए हैं उनमें ये चेक करना है, ठीक है, कि क्या उनका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। जैसे टू है तो टू में है टू ओवर वन, और थ्री है तो थ्री में कितना है वन, क्लियर। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो स्टेप नंबर वन आएगा। स्टेप नंबर वन, जितने भी नंबर आपने फाइंड करने हैं उसमें वन क्या कर देना है, प्लस, दैट इज थ्री। थ्री नंबर फाइंड करने हैं तो थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, क्लियर। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड के लिए क्या करना है, जो भी हमारे दो ओरिजिनल नंबर हैं, कौन कौन से, एक टू है एक कौन सा है थ्री, यानी कि टू ओवर वन एंड थ्री ओवर वन, क्लियर। तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर से जो स्टेप नंबर वन में है, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है दोनों नंबर्स को, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है उसी नंबर से, क्लियर। तो देखिए ये नंबर क्या बन जाएगा, टू फोर सा कितना होता है एट, अपॉन में आ जाएगा फोर, थ्री फोर सा कितना होता है ट्वेल्व, अपॉन में आ जाएगा फोर, क्लियर। तो हमारे पास जो नंबर बन गए वो कितने बन गए, एट ओवर फोर एंड ट्वेल्व ओवर फोर, क्लियर। ये था हमारा स्टेप नंबर सेकेंड। आगे है स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, जस्ट हमें काउंटिंग करनी है एट और ट्वेल्व के बीच में नंबर्स, ठीक है जी। एट अगला नंबर कौन सा होता है, नाइन, नेक्स्ट नंबर इज टेन, नेक्स्ट नंबर इलेवन, उसके बाद है ट्वेल्व। तो ट्वेल्व हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इन दोनों नंबर के बीच में नंबर फाइंड करने हैं, क्लियर। तो नाइन ओवर में फोर, क्योंकि दोनों का बेस डिनोमिनेटर फोर है, तो तीनों के ओवर में क्या आ जाएगा, फोर, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गए, देयर फोर नाइन ओवर फोर, टेन ओवर फोर एंड इलेवन ओवर फोर आर थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन टू एंड थ्री, क्लियर। इट इज योर फर्स्ट एग्जांपल, क्लियर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर टू, क्लियर, फाइंड सिक्स रैशनल बिटवीन वन ओवर थ्री एंड वन ओवर टू, क्लियर। सो सॉल्यूशन इन सेम वे, सॉल्यूशन इज, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें देखो दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने का एक तरीका है एलसीएम। थ्री और टू का एलसीएम निकाल लीजिए, थ्री वन सा थ्री, क्लियर। तो थ्री इंटू टू कितना आ जाएगा एलसीएम, सिक्स, यानी कि जो एलसीएम आ गया हमारा वो कितना आ गया, सिक्स, क्लियर। अब करना क्या है, इन दोनों को सेम करना है, डिनोमिनेटर इनका सेम करना है। तो सेम करने का तरीका क्या है कि दोनों को ओवर में जो एलसीएम है वो बना दीजिए। जैसे सिक्स को थ्री से डिवाइड करेंगे तो टू बचेगा, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर देना है और टू से क्या कर देना है, डिवाइड, क्लियर। सिक्स को टू से डिवाइड करो कितना बचता है, थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई, थ्री से डिवाइड, ठीक है जी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको सिक्स बनाना है, तो सिक्स बनाने के लिए टू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसको टू को सिक्स बनाना है तो थ्री से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्लियर। तो नया नंबर बन जाएगा टू ओवर सिक्स, और दूसरी तरफ नंबर बन जाएगा थ्री ओवर सिक्स, तो दो नंबर आ गए ये वाले, क्लियर। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो सेम है तो हम अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर वन। क्या था स्टेप नंबर वन, कितने नंबर फाइंड करने हैं, सिक्स, तो सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन। व्हाट अबाउट सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या था, जो भी हमारे पास दो नंबर हैं, टू ओवर सिक्स है, दूसरा नंबर है थ्री ओवर सिक्स, इनको मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट वाले स्टेप में जो नंबर है और डिवाइड करना है, ठीक है जी, क्लियर। इट बिकम फोर्टीन ओवर
42 एंड इट बिकम 21 ओवर 42। ठीक है जी। एंड लास्ट स्टेप इज स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या आएगा, जस्ट काउंटिंग, इनके बीच में नंबर काउंट कर लीजिए। 14 से अगला नंबर आता है 15, नेक्स्ट नंबर इज 16, नेक्स्ट नंबर इज 17, नेक्स्ट नंबर इज 18, 19 एंड 20, और 21 लास्ट नंबर है तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो 42 ओवर में 42, अगेन 42, अगेन 42, अगेन 42 एंड अगेन 42। क्लियर। तो देयरफॉर 15 ओवर 42, 16 ओवर 42, लेस देन 17 ओवर 42, लेस देन 18 ओवर 42, लेस देन 19 ओवर 42 एंड लेस देन 20 ओवर 42 आर 6 रैशनल्स बिटवीन 1 ओवर 3 एंड 1 ओवर 2। क्लियर। तो आप इसी वे से कोई भी रैशनल नंबर आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे किसी भी नंबर में। ठीक है जी।